नमस्कार दोस्तों, हमारे इस जावा ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज बताऊंगा जावा एक्सेप्शंस के बारे में। जावा एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज जावा एक्सेप्शन। अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हेन एग्जीक्यूटिंग जावा कोड, जब भी हम कोई जावा कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कुछ एरर उत्पन्न होता है या कुछ रन टाइम एरर आता है, तो जो भी एरर आता है, रन टाइम एरर आता है, उसी को दोस्तों एक्सेप्शन कहते हैं। जो जिस भी तरह का एरर आता है, कुछ रन टाइम आता है, कुछ उसी समय आता है, तो डिफरेंट एरर कैन ओक्योर। कोडिंग एरर मे बाय द प्रोग्रामर, जो कोडिंग एरर होता है वो प्रोग्रामर के द्वारा हो जाता है। कोई भी त्रुटि एरर होता है, जो भी त्रुटि एरर होता है लिखने में, टाइप करने में, ड्यू टू रॉन्ग इनपुट, कोई भी रॉन्ग इनपुट में एरर आ गया, कोई चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं गलत हो गया, इंटीजर से कहीं स्ट्रिंग टाइप हो गया तो इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पाया, तो वो उस रन टाइम एक्सेप्शन देगा। आर अदर अनफॉर्सिवेबल थिंग्स, व्हेन एन एरर ओक्योर जावा विल नॉर्मली स्टॉप। अगर जो कोई एरर उत्पन्न होता है तो जावा क्या करता है, उसको कोड को ही स्टॉप कर देता है। एंड जनरेटिंग एन एरर, स्टॉप करके एक एरर को जनरेट करता है। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज जावा विल थ्रो एन एक्सेप्शन। तो ये टेक्निकल टर्म में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा में हम इसको क्या कहते हैं कि जावा विल थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एरर, एक एरर थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो दोस्तों इस एक्सेप्शन को दूर करने के लिए जावा में दिया है ट्राई कैच। जो भी अगर जो कोई भी पीस ऑफ कोड हमको लिखना है उसको ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। जावा ट्राई एंड कैच, द ट्राई स्टेटमेंट क्या करता है, अलाउ यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड। ट्राई स्टेटमेंट जो होता है आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए दिया जाता है। टू बी टेस्टेड फॉर एरर वाइल इट इज बींग एग्जीक्यूटेड, तो वहां पे जो है एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर जो एरर रन टाइम या एरर आ ही गया तो हम क्या करेंगे, अगर जो मान लीजिए ट्राई के अंदर अगर जो एरर ब्लॉक के अंदर एरर आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। द कैच स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि एक्सेप्शन की स्थिति में हमारा जो ट्राई का जो ब्लॉक है वह ना रन करके हमारा कैच ब्लॉक में आ जाता है। तो अगर जो हमारा वहाँ पे एरर आ रहा है तो कैच ब्लॉक में हम एरर की स्थिति में हमको कौन सा कोडिंग करना है, उसके बाद क्या करना है, तो वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि अगर जो हमारा एरर रन टाइम आ ही गया तो अगला स्टेप हमको क्या करना है। तो दोस्तों हर चीज़ जो है दिमाग में रख करके काम किया जाता है कोडिंग, कि अगर जो हमारा कहीं भी एरर आ गया तो उस एरर की स्थिति में हमको करना क्या है, जिससे हमारा कहीं कोड जो है ब्लॉक ना हो, हमारा हैंग ना कर जाए हमारा ऐप। तो अगर जो कोई चीज़ हम डिफाइन नहीं किए रहेंगे तो हमारा जो है कोडिंग गलत हो जाएगा, तो हम उसको कैच ब्लॉक में जो है हम उसका कोड को लिख देते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। इफ एन एरर ओकेर इन द ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में अगर जो एरर आ रहा है तो उसको कैच ब्लॉक में हम उसको दूसरी तरह से कोडिंग करेंगे, जिससे कि एरर की स्थिति में हमको जो कोडिंग करना है वो उसमें किया जाएगा। द ट्राई एंड कैच कीवर्ड कम इन द पेयर, ये दोस्तों ये सिंटैक्स इसका होता है, ट्राई देख सकते हैं आप, ट्राई कैच एक्सेप्शन। तो यहाँ पे ट्राई कैच इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, जो कुछ भी हमारा कोड रन होगा इसी के अंदर रन होगा। अगर जो यहाँ पे एरर उत्पन्न होगा, कोई एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो वह जो है एक्सेप्शन के अंदर यहाँ आ जाएगा कोड, ये ब्लॉक रन करेगा। तो उस एरर की स्थिति में हमें कौन सा ब्लॉक रन करवाना है, यहाँ से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दिस विल जनरेट एन एरर बिकॉज माई नंबर 10 डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन ब्लॉक के अंदर इंटीजर माई नंबर जो है एक अरे है, अरे डिफाइन किया गया है, माई नंबर्स 1, 2, 3 ही नंबर्स इसमें है, तो इसमें प्रिंट किया जा रहा है माई नंबर्स 10। यानी कि इस ये ऐसा लिखने का मतलब ये है कि माई नंबर्स एक अरे है, इसके इंडेक्स जो होता है जितने भी एलिमेंट उसमें होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें जो है 0 से लेकर के जो है
जैसे तीन एलिमेंट है तो उसमें 0, 1, 2, यानी कि जो भी उसका लेंथ होगा एरे का उसका एक कम जो है 0 से हम शुरू करते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा 0 इंडेक्स पे 1 है, 2 एक इंडेक्स पे 2 है, और 3 इंडेक्स पे जो है सॉरी 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और 2 इंडेक्स पे 3 है। तो यहाँ पे माई नंबर जो है यहाँ पे 10 लिखा गया, यानी कि 10 इंडेक्स पे क्या है, जो कि है ही नहीं। 10 जो है इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है एरर फेंकेगा। अब एरर में क्या फेंकेगा, एक्सेप्शन इन थ्री मेन, ऐसा लिख के आएगा जहां भी हम उस कोड को लिखेंगे, जिस क्लास में लिखेंगे वहीं पे वो चीज लिख के आएगा, कोई जरूरी नहीं है मेन लिखे। एक्सेप्शन इन थ्री मेन जावा लैंग अरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि लैंग अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि इंडेक्स का अरे जो है वो आउट ऑफ बाउंड है, यानी 10 जो है आउट ऑफ बाउंड है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम रन करवाते हैं, रन करवाने की स्थिति में क्या एरर आता है, तो दोस्तों देख सकते हैं जो एक्सेप्शन यहाँ पे दे रहा है सेम दे रहा है, कह रहा है कि एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड जावा लैंग अरे ऑफ अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन, यानी इंडेक्स 10 आउट ऑफ द बाउंड फॉर लेंथ 3, 3 लेंथ में जो है 10 इंडेक्स जो है आउट ऑफ बाउंड है एट द मेन जावा 14, यानी 14 लाइन पे जो है एक्सेप्शन दे रहा है दोस्तों, ये भी बता देता है कि कहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिख करके, ट्राई यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन का एक वेरिएबल ई मान लेते हैं, और इसको भी हम इसी प्रकार से जो है करते हैं इसका भी कोड। अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे टाइप कर देना दोस्तों। अब देखिए आपका कोड कौन सा रन करेगा, आपका कोड यहाँ से रन करेगा, उसके बाद जो है इसको जो है हमको लिखना कहाँ है, कैच के अंदर लिखना है, ठीक है, कैच के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक्सेप्शन आता है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन जो है प्रिंट करवा लेते हैं दोस्तों। अब जैसे ई है ई डॉट, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या गेट मैसेज, यहाँ पे गेट मैसेज जो है एक क्या मैसेज आएगा रन टाइम। अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट जो है एरर नहीं देगा दोस्तों, अब ये एरर देगा अभी मैसेज के थ्रू एरर देगा, हम मैसेज अपने आप से खुद प्रिंट करवा रहे हैं। अब उस प्रकार से एरर देखिए, मैसेज हम प्रिंट करवाए हैं, यानी एक्सेप्शन नहीं थ्रो नहीं थ्रो किया, लेकिन वो कैच ब्लॉक के अंदर उसको रोक लिया गया है, केवल यही दिख रहा है इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड, ये एरर दे रहा है दोस्तों। तो ये कोड यानी कि यहाँ पे एरर जनरेट हुआ, और यहाँ पे कैच के अंदर जो है आ गया। अब यहाँ पे जो है अगर जो हम इंडेक्स मान लीजिए हम 1 प्रिंट करवाते हैं, इंडेक्स 1 प्रिंट करवाते हैं, तो हमारा डायरेक्ट इंडेक्स 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 आएगा दोस्तों, ठीक है, देखिए 2 आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसको दोस्तों हम रन करवाते हैं। एन एरर ओकर वी कैन से यूज ट्राई कैच टू कैच द एरर एग्जीक्यूट सम कोड हैंडल। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर जो है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एरर को ना प्रिंट करवा करके हम अपने तरफ से लिख सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि हमको पता चल जाएगा ये एरर आ रहा है, यानी कि इसको कैच के अंदर जो है हम इसको ट्राई के अंदर इसको लिख देंगे, उसके बाद कैच के अंदर जो है लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद दोस्तों आता है फाइनली कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड जो होता है यानी कि ट्राई कैच उसके बाद फाइनली, यानी कि ट्राई कैच में फाइनली भी हम यूज करते हैं दोस्तों। फाइनली अगर जो एरर ही आ रहा है तो हमको क्या करना है, यानी कि उसके अंदर भी एक्सेप्शन आ रहा है। द फाइनली स्टेटमेंट लेट यू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ट्राई कैच, यानी ट्राई कैच के बाद जो है हमको उसको कोड को यूज करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन किया गया इंटीजर, यहाँ पे एरर आ गया। अब एरर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, फाइनली हमको क्या करना है, द ट्राई कैच इज फिनिश्ड, यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ट्राई कैच इज फिनिश्ड, यानी कि उसके बाद हमको अब क्या करना है, जब हमारा एक्सेप्शन आ गया तो उस स्थिति में हम इसको दोस्तों रन करवाते हैं। आप देख सकते हैं इसको हम रन करा के देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोड को लिख दिया है, अब इसको हम रन करवाते हैं। तो रन करवाने की स्थिति में क्या क्या आता है, देखिए एक तो एक्सेप्शन प्रिंट किया, जो एरर आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग,
उसके बाद क्या किया, फाइनली अब हमको फाइनली कौन सा कोड आप पीस रन करवाना है, तो फाइनली के अंदर जो है हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि द ट्राई कैच इज फिनिश्ड, यानी ट्राई कैच जो है आपका फिनिश हो गया है रन करके। तो इस प्रकार से हम फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद द थ्रो कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड क्या होता है, द थ्रो स्टेटमेंट अलाउ यू टू क्रिएट कस्टम एरर। जो थ्रो स्टेटमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं कस्टम एरर को प्रिंट करवाने के लिए, हम अपने अनुसार जो है एरर प्रिंट करवाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो जावा एरर थ्रो कर रहा है उसी को प्रिंट करवाएंगे, हम अपने अनुसार अपने सुविधा के अनुसार हम उसको एरर को प्रिंट करवाएंगे। तो द थ्रो स्टेटमेंट यूज टू टुगेदर विद एक्सेप्शन टाइप, देर आर मैनी एक्सेप्शन टाइप अवेलेबल इन जावा, बहुत सारा एक्सेप्शन होता है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, सिक्योरिटी एक्सेप्शन होता है, इस प्रकार से जो है आईओ एक्सेप्शन होता है, आईओ में फाइल नॉट फाउंड, जैसे कोई फाइल जो है आप रन टाइम किए हैं और फाइल डिलीट हो गया है, अब वहाँ पे जो है एक्सेप्शन देगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जो है हम अपने अनुसार जो है एक्सेप्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि स्टेटिक वाइड चेक एज, अब यहाँ पे एज को चेक करना है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये जो हमारा फंक्शन है आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेटिक वाइड चेक एज, एज को चेक करना है इंटीजर एज। अब यहाँ पे चेक करना है कि एज लेस देन 18 यानी 18, अगर जो एज 18 से कम है तो क्या थ्रो करे, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि ये नंबर है ना, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हम डाल देंगे, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेस डिनाइड यू मस्ट बी लेस एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक एक्सेप्शन यहाँ पर दे देगा कि अगर जो 18 से कम है तो आप जो है 18 के एक्सेस डिनाइड कर देगा, नहीं तो इल्स के कंडीशन में क्या प्रिंट करेगा, एक्सेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड एनफ। तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे जो है हम मेन जो है क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए हैं, अब यहाँ पे जो है मेन फंक्शन के अंदर जो है इसको चेक एज को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेन मीन इतना, यू मस्ट बी इतना एट चेक एज, तो इस प्रकार से जो है एक्सेप्शन रन करता है। इफ एज वाज 20 यू वुड नॉट गेट एक्सेप्शन, अगर एज 20 है तो एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, देख लें एक्सेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड एनफ। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक्सेप्शन थ्रो हम करवा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में मिलेंगे, नेक्स्ट कोड आप पीस के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।